को आठ बच्चों की फरमाइश थी कि पानी पूरी खाई जाए, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि पानी पूरी में यूज होने वाली सारी चीजों के लिए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। पानी पूरी बनाने के लिए हम पूरी रेडीमेड यूज कर रहे हैं। पानी पूरी में जो हम रगड़ा और जो खट्टी मीठी और जो ग्रीन तीखी वाली चटनी हम खाते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तीन चीजों के लिए है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको रगड़ा की रेसिपी बताऊंगी। रगड़ा बनाने के लिए हमने व्हाइट पीस को 4-5 घंटों के लिए भिगो दिया था, वो अब अच्छे से फूल गई हैं। ये 1/2 kg व्हाइट पीस है। 2 इस साइज के आलू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और 2 छोटे अनियन हमने लिए हैं यहाँ पे। चलिए फिर हम इसे पहले बॉईल करने के लिए रख देते हैं। एक कुकर में ये व्हाइट पीस को शिफ्ट कर देंगे। इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारे व्हाइट पीस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये 1 glass के करीब पानी है। 1 teaspoon सॉल्ट और 1 teaspoon हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं, इसी से इसका अच्छा कलर आएगा येल्लो। और ये जो ऑनियन हमने रखे थे, ये इसे भी हम ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे। ये 2 आलू, 1 teaspoon के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस इसे हमें 3 whistle तक ही पकाना है। इसे ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से फिर हमारा रगड़ा इतना अच्छा नहीं लगता। इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। अगर आप रेडीमेड पानी पूरी का मसाला भी यूज़ करना चाहें तो आप वैसे भी खट्टा पानी बना सकते हैं विदाउट इन सारी चीज़ों के, लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा फ्रेश ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो पानी पूरी के खट्टे पानी में बहुत ही फ्रेश टेस्ट आता है। हरी चटनी के लिए हमने 5 ग्रीन चिल्लीज लिए हैं यहाँ पर। ग्रीन चिल्लीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें। बहुत ही छोटा हमने जिंजर का पीस लिया है। 1 lemon यूज़ करेंगे, थोड़े पुदीना के पत्ते और थोड़े हमने यहाँ पे धनिया के पत्ते ले लिए हैं। एक छोटे बाउल के साइज़ की हमने इमली भिगो दी थी, उसका हमने पल्प निकाल दिया है। ये इमली का पल्प हम तीनों रेसिपी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे। देखिए इसका हमने बहुत ही फाइन पेस्ट कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है। इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। इसमें अब हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट यूज़ करेंगे 1/4 teaspoon के करीब, और 1 lemon का जूस और 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प। सारी चीज़ों को मिलाकर एक बार टेस्ट कर लें। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टा और तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी लग रही है, हमारे हिसाब से ये परफेक्ट है। बस रेडी है हमारी तीखी और हरी चटनी। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख ले, इसका यूज आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। चलिए तो फिर अब हम पानी पूरी का खट्टा पानी बना लेते हैं। जो हमने ये ग्रीन चटनी पीसी थी, इसमें से हम 3-4 tablespoon ये चटनी ले लेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इमली का पल्प भी 4 spoon, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, इसका हम 1 teaspoon यूज़ कर रहे हैं। 1 से 1.5 glass वाटर यूज़ करेंगे। एक बार टेस्ट करके सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जो ग्रीन चटनी हमने पीसी थी इसमें भी हमने सॉल्ट ऐड किया था और ये रेडीमेड मसाले में भी सॉल्ट होता है, इसलिए इसे टेस्ट करके फिर सॉल्ट अगर कम है तो ऐड करें। थोड़ा हम ऐड कर रहे हैं पिंक सॉल्ट। अब परफेक्ट है, पानी पूरी का खट्टा और तीखा पानी भी रेडी है। चलिए फिर अब मीठी चटनी बना लेते हैं। एक सॉस पैन में 3 cup पानी ले लिया है। हमारे घर में मीठी चटनी ज्यादा पसंद की जाती है, इसलिए हम थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। 1 cup गुड़ का पाउडर यूज कर रहे हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें भी हम पिंक सॉल्ट यूज करेंगे 1/4 teaspoon के करीब। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले यूज करेंगे। 1/4 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon सौंफ का पाउडर, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर और 1/2 teaspoon कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon चाट मसाला पाउडर। 4 से 5 tablespoon हम इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टे की ज़रूरत है तो आप इमली के पल्प की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें।
हमने इसे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा है। 2 से 3 मिनट इसे हम स्लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे। 2 से 3 मिनट बॉईल होने के बाद हमने फ्लेम हाई कर दी है और इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून जो कॉर्न स्टार्च होता है, जो सूप की थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे हमने थोड़ा पानी में मिला लिया है। अब इसे हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे, साथ में इसे चलाते भी रहें। अगर आपको ऐसा लगे कि इसकी थिकनेस आपके हिसाब से परफेक्ट है तो फिर और ऐड ना करें, बस हमारे हिसाब से ये थिकनेस ठीक है। ये देखिए, बस हमें इतना ही थिकनेस चाहिए इसकी। जब ये ठंडी होगी तो और थिक हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा इसे थिक ना करें, बस ऐसे रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में कर देते हैं और हमारे व्हाइट पीस को चेक कर लेते हैं उसकी क्या कंडीशन है। पूरी स्टीम रिलीज हो चुकी है, चलिए इसे लीड ओपन करके देख लेते हैं। आलू को हम निकाल लेते हैं, इसकी स्किन निकाल कर हम इसी में ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसे हल्के हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। बस ये ठीक है हमारे हिसाब से। इसमें अब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ये ग्रीन चटनी, खट्टी और तीखी। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। 4 से 5 टेबल स्पून हम इमली का पल्प यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो पानी पूरी मसाला होता है रेडीमेड, थोड़े हरे धनिया के पत्ते चॉप किए हुए, थोड़ा ऑनियन चॉप किया हुआ। सारी चीज़ों को मिला लें। पानी पूरी में स्टफ करने की हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, चलिए फिर सर्व करते हैं। लीजिए तो फिर तैयार है बहुत ही चटपटी मज़ेदार ये हमारी पानी पूरी। इसे आप इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों के साथ। जब कभी आपका दिल चाहे फटाफट से हमारे बताए हुए तरीके से ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।